नवंबर का महीना है, त्योहारों का मौसम है और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की टेंशन है, तो आप मैनेज कैसे करें, किस तरह से चीजों को करें? सर साल भर का त्योहार है वो तो मुझे सेलिब्रेट करना ही है, क्या मैं त्योहार सेलिब्रेट करूं या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन पे ध्यान दूं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको त्योहार मनाने से कोई भी मना नहीं कर रहा है, आप फेस्टिवल है बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही मजे से क्या आप क्या बनाओ। और फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं तो देखो फेस्टिवल अगर हम आपकी मोटी मोटी बात करें तो आपके दो दिन का क्या यहाँ पे फेस्टिवल होता है, जो दिवाली आपके दो से तीन दिन की आपकी क्या दिवाली होती है, ठीक है। अब अगर आप इस टाइम को छोड़ दे, मतलब ये दो तीन दिन छोड़ देते हो, फिर उसके बाद भी आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलता है जहां पर आप अपने बोर्ड एग्जाम की क्या प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी जैसा हम जानते हैं कि अब हमारे पास टाइम जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, सही बात है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मंथ कौन से, नवंबर का मंथ है हमारे पास, दिसंबर है, फिर जान है, फिर उसके बाद फेब अगर बात करूं। अब नवंबर में ऑलरेडी फेस्टिवल्स वाला माहौल चल रहा है, दिसंबर में बहुत सारे कॉलेज में जो प्रीलिम्स होंगे वो चालू हो जाएंगे, जनवरी की अगर बात करूं तो कुछ कॉलेज दिसंबर में चालू होता है, कुछ कॉलेज में जनवरी में चालू होता है, और साथ ही साथ आपके स्कूल एंड कॉलेजेस में इवेंट्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा चालू हो जाएंगे। एनुअल डे होगा, स्पोर्ट्स डे होगा, ये डे होगा, वो डे रहेगा, बहुत सारी चीजें चालू हो जाएंगी। और साथ ही साथ जनवरी में आपके बोर्ड के जो आपके ये होते हैं क्या बोलते हैं आपके वाइवा होते हैं, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एबीटी होते हैं, ये सारी चीजें आपकी क्या चालू हो जाएंगी। और वही फेब की एंडिंग में आपकी जो एग्जाम होगी वो क्या चालू हो जाएगा। अब गिन चुन के अगर पूरे महीने की अगर बात करूं तो इक्का दुक्का तीन महीने हमारे पास बचे हुए हैं, लेकिन पढ़कर कुछ भी नहीं हुआ, तो अब किस तरह से हम हमारा सिलेबस क्या कंप्लीट करें, ठीक है। अब एक एक करके मैं सारी चीजों के बारे में बता रहा हूं आपको। सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं बीके के लिए, ठीक है। अब बीके की अगर मैं बात करूं तो बीके में देखो ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। अब आप एक टारगेट बना लो, फिक्स क्वेश्चन कौन से वो कर लो पहले, फाइनल अकाउंट से अब इन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करो, फाइनल अकाउंट से उस पर फोकस करो, एनपीओ की ऑलरेडी सीरीज चालू है वो फोकस करो, दो वीडियोस और आएंगे फिर आपका एनपीओ पूरा कंप्लीट, इतना कंप्लीट हो गया कि आप अपने एग्जाम में धूम मचा के आ सकते हो, सही बात है, ये आप कर लो। फिर अब आपको ऑप्शन दिया, जैसे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, तो इन दोनों में से ऑप्शन दिया, तो आप दोनों करने पीछे मत भागो, आप एक ही करो ना, एक ही को लेके बैठो। या फिर अगर मैं बात करूं तो एक चालू कर दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चालू कर दो, ठीक है, ये एक टॉपिक करो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो कंप्यूटर अकाउंटिंग है, जो थियोरी अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है तो कंप्यूटर अकाउंटिंग चालू करो, या फिर शेयर्स वाला जो क्वेश्चन है वो करना चालू कर दो। यहां पे क्वेश्चन डिसाइड कर लो कि ऑप्शन में से मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और लेके बैठ जाओ रोज, ठीक है। रोज आप सम सॉल्व करना चालू, रोज के अगर तीन तीन भी सम सॉल्व करना चालू करते हो तो यहां पे 10 दिन में आपके बताओ आप 30 सम की प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है। 20 दिन में अगर मैं बात करूं तो आप 60 सम की प्रैक्टिस कर लेते हो, और वही 30 दिन में आप 90 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो, जहां पे प्रिपरेशन आपकी आराम से क्या हो जाएगी। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को भूलना मत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है, ये चीज हो गया। अब थियरी की बात करता हूं, थियरी अगर मैं बात करूं तो आपका ओसीएम हो गया, एसपी हो गया, और वही इको हो गया। अब इसमें ज्यादा नहीं करना। अब सबसे पहली चीज, अब आपकी कुछ चैप्टर्स ऐसे हुए रहेंगे जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर आपके बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपने पढ़ लिया होगा। अब अगर आपने पढ़ लिया है तो आपकी जिम्मेदारी अब क्या बनती है, अब रिवीजन करने का टाइम है, उसको रिवीजन कर लो। अब जिनका कुछ नहीं पढ़ के वो क्या करें, वो भैया आप ऐसे पहले 3 चैप्टर्स उठा लो जो आपने हाथ भी नहीं लगाया, पहले उसको कर लो अच्छे से, नए चैप्टर्स लो, और 1-2 चैप्टर आप ऐसे कर लो जो आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो कर लो। अब आपको ज्यादा नहीं करना है, एक दिन में आपको हर एक सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ 3-3 क्वेश्चन पढ़ने, 3 क्वेश्चंस कितने पढ़ने, 3 क्वेश्चंस पढ़ने। और आपको मैं गारंटी अश्योरिटी देता हूं कि आपके एग्जाम आपका जो ये बोलते हैं वेकेशन है, वेकेशन खत्म होते होते कुछ चलो मैं मानता हूं 15 दिन का 20 दिन का वेकेशन है, तो 3 × 20 करता हूं तो आपके 60 क्वेश्चन होते हैं, जहां पे ये 5 चैप्टर आपके इजिली हो जाएंगे, आराम से होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, जब ये चैप्टर्स कर रहे हो तो साथ ही साथ आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आप क्या करते जाना, और अगर आपने इस तरह से चीजों को फॉलो किया और चैनल पे जितनी भी चीजें आ रही है उसको फॉलो किया तो बट ऑब्वियस ही बात है आपकी सारी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी। अब यहां पे मैं आपकी इंग्लिश की बात कर लेता हूं। अब इंग्लिश सबको एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, सही बात है, आप कौन से भी रीजन से बिलोंग करते हो आपको इंग्लिश जो है वो एक आपकी मैंडेटरी सब्जेक्ट यहां पे क्या बन जाता है। अब इसकी जो प्रिपरेशन है वो हम चैनल पे करना चालू कर देंगे। ऑलरेडी अगर बात करूं तो यहां पे आपका ग्रिड ट्यूटोरियल्स है, ठीक है, जहां पे ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश से रिलेटेड आपकी 12th स्टैंडर्ड की वीडियोस आ रही है, राइटिंग स्किल वाली प्लेस कर दी गई है, लेकिन हाँ वी आर प्लानिंग टू पोस्ट सम इंग्लिश लेक्चर ऑन प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी, जैसे PGCA हम बोलते हैं, ठीक है, उस पर भी आपकी जो इंग्लिश की जो वीडियोस होंगे वो आना चालू हो जाएंगे। हम राइटिंग स्किल्स से पहले शुरुआत करेंगे, राइटिंग स्किल्स आपका एक अच्छा खासा मार्क्स कैरी करता है,
16 मार्क्स क्या आपका कवर करता है, ठीक है। तो वो भी हम सीरीज चालू करें, फिर धीरे धीरे बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर आपने इस तरह से पूरी पढ़ाई की तो फॉर श्योर है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अभी भी पढ़कर अच्छा खासा क्या स्कोर कर सकते हो, 95 तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो स्टार्टिंग से कौन क्या पढ़ा किस तरह से बड़ा मैटर नहीं करता, लास्ट में कौन टिक रहा है, लास्ट में कौन कितनी मेहनत कर रहा है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मैटर करती है। और स्ट्रैटेजी वाइज जाओगे, बहुत ही दिमाग से जाओगे तो सारी चीजें एकदम आराम से क्या जाने वाली। ऑलरेडी टाइम टू टाइम हम चीज आपको गाइड कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ के हुआ लग जाओ काम पे, दिवाली भी मनाओ लेकिन साथ ही साथ ये काम पे भी लग जाओ। देखो फॉर श्योर है, आपकी गारंटी है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आएगी। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप कुछ लिमिटेड टॉपिक सिर्फ 3 सम सॉल्व करके आप किस तरह से 70 प्लस जा सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम में, ये चीजें भी मैंने बताई थी बीके के लिए, ठीक है। तो फटाफट से काम पे लग जाओ, अगर लग गए तो भैया तबाही है तबाही, ठीक है। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो और ऐसी और वीडियोस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए क्या पेश क्या कर सके दोस्तों।